Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग। अगर आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता की स्पेशल रोड, तो दोस्तों आज हम पंजुआना के अंदर हैं और पंजुआना के अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरे पीछे एक नलका है पंजुआना का, जो बहुत फेमस है, जहां पर हर कोई पानी भर कर लेके जाता है। जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं रस्ते में, स्पेशल इसे रोक कर इस नलके से पानी भरा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस पानी के अंदर कुछ स्पेशलिटी बताई जाती है। तो हम जानते हैं यहाँ के लोगों से, तो इस पानी की क्या खासियत। तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस पानी के अंदर क्या खासियत है कि लोग यहाँ पर आकर पानी भरते हैं। जी, ये पानी बहुत अच्छा है जी, बहुत मीठा पानी है जी, इसमें कोई भी बीमारी नहीं है जी। ये कम से कम मैं 1985 से मैं देख रहा हूँ इसको जी। यहाँ भी नलका लगा हुआ था, उस पार भी लगा हुआ था, इस पार भी लगा हुआ था। ये पानी इसका बड़ी दूर दूर से आते हैं और बिल्कुल चिल्ड पानी है जी। इसका पानी पीने के लिए बहुत मीठा पानी है जी। नहर का इसका ये जो नहर जा रही है जी, ये अपने ओटू को जा रही है, पीछे भाखड़ा BMB की नहर है जी ये। और इसकी जो सीलिंग जाती है पानी के नीचे, उसको पानी उठाता है जी, फिल्टरों के पानी आता है। बहुत मीठा पानी है जी ये, बड़े दूर दूर से लोग पानी भरने आते हैं जी यहाँ पे। दिन में कितने लोग यहाँ से पानी भर कर लेके जाते हैं? इसकी तो कोई गिनती नहीं है जी। अभी देख लो, ये भर के भर लिया इसने, ये भर रहा है जी। अभी मिनट में आ जाए, ये गांव है साथ में, एक खेवा वाले गांव है जी, एक साथ में यहाँ से 3 किलोमीटर गांव है, वहाँ पानी नहीं है। वो लड़का खड़ा है जी खेवा वाले का जी, वहाँ से भरने आया जी, कम से कम 5 किलोमीटर दूर है जी। अब अंदाजा लगा लो आप जी। हम गांव पंजवाने से आया हूँ, दूर दूर के गांव से पानी जाता है यहाँ से। गरीबों के लिए पानी बहुत अच्छा है। इस कितने बजे तक पानी? ये 9 बजे तक भरते हैं पानी। सर, इस पानी की क्या खासियत? पानी खासा है, पानी मीठा है इसलिए। सर, ये बताइए कि आजकल तो घरों के अंदर RO लग गए हैं, फिल्टर्स हैं, फिर भी आप इतनी दूर से पानी? जो मतलब RO की है, मतलब नहीं पीते ये पानी। ये पानी बहुत अच्छा है, हैंडपम्प का पीते हैं यहाँ इसीलिए। और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कहाँ कहाँ, ये दो काम हो जाते हैं, खेव वाली के नदी के नड़े नड़े गांव को आते हैं। इस गांव के कुछ लोग जो यहाँ से दूर दूर से पानी भरने के लिए आते हैं, उनका कहना यही है कि ये पानी इतना मीठा है कि इस पानी से सभी बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। और रात के 9 बजे तक यहाँ से लोग हैं वो पानी भरने के लिए आते हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर इस नलके से हैंडपम्प को चला कर पानी पी रहे हैं, क्योंकि ये जो पानी है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, इस नलके से पानी है वो पी सकते हैं और अपने घर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये पानी बीमारियों को दूर करता है, ऐसा इनका कहना है। इसीलिए वो यहाँ पर दूर दूर से पानी भरने आते हैं, क्योंकि आज का जो वक्त है, आजकल घरों में RO लग चुके हैं, फिल्टर्स लग चुके हैं, तो लोग उन्हीं का पानी पसंद पीना करते हैं। तो क्योंकि अब वो हैंडपम्प्स का जो रिवाज है, पहले कभी किसी ज़माने में देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये जो हैंडपम्प है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि पंजवाना में एक ऐसा हैंडपम्प है जहाँ पर मीठा पानी निकलता है, जिससे बीमारियाँ दूर होती हैं, दूर दूर से लोग उसे भरने के लिए आते हैं, तो हम भी इसको देखने के लिए यहाँ पर आए थे। और वाकई में यहाँ पर आकर पता चला कि इस हैंडपम्प का जो पानी है वो बहुत ही मीठा है। और यहाँ से लोगों के बातचीत करने के दौरान पता चला कि इस हैंडपम्प के पानी बिल्कुल ही मीठा और साफ़ सुथरा और ठंडा भी है, इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो दूर दूर से इसको भरने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।